शांत रहोगे बात नहीं। देखिए इसके बाद एक और प्रश्न दिया हुआ है, पर ध्यान दोगे। शांत रहोगे। लिमिट एफ एक्स दिया हुआ एक्स टेंस टू वन, ठीक है। हम इस पर काम फिर से कर रहे हैं एक बार, जिनको दिक्कत समझ जाओ इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तभी लेंगे हम लोग जब आपके पास दो डिफरेंट कंडीशन दिया हो, इस तरह से दिया रहे हैं, ठीक है। दो या तीन मिनट में आप मेरी बात कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको खोना पड़ा लिमिट एक्स टेंस टू कितना, वन प्लस क्यू वन माइनस वन माइनस, जहां भी लेफ्ट रहे जिस पॉइंट पर चेक कर लें उस तरह से कम। वन माइनस को क्या कर सकते हो, वन माइनस को कहोगे वन माइनस एच, जहां एच का मान लगभग क्या हो गया, जैसे ही एक्स की जगह पर वन से थोड़ा कम, वन से थोड़ा कम मतलब क्या, वन माइनस एच फूट के एच का मान आपको तुरंत टेंस टू जीरो करना है। हर क्वेश्चन फिर लिमिट रह गया एच टेंस टू जीरो। अब एच टेंस टू जीरो क्यों लेने पड़ा, ये भी आपको हम, चूंकि ये गैप कितना है लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए वन माइनस तुम बताओगे, वन माइनस में किस फंक्शन को कंसीडर करें, इस फंक्शन को कि इस फंक्शन को, सोच के बोलोगे। वन प्लस में इस फंक्शन को कंसीडर करें, किसको करें, यही तो आप लोग गलती कर रहे हैं, इसको करने का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि ये जीरो से कम नहीं कर रहा है, जीरो से कम मतलब इधर होगा और वन माइनस का मतलब वन से थोड़ा सा कम, मतलब जीरो वन से थोड़ा कम क्या होगा, 0.99999 इतना होगा, तो वो जीरो से बड़ा ना होगा, इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे। अब जीरो वन माइनस मीन्स वन थोड़ा सा कम ही ना होगा, ये थ्री जहां एक्स वहां क्या पुट कर देंगे, वन माइनस एच सही है ना, प्लस कितना वन, अब जहां एच वहां क्या पुट करेंगे जीरो, क्या आएगा थ्री इंटू वन माइनस जीरो प्लस कितना वन, थ्री इंटू वन में जीरो गया वन प्लस वन कितना होगा टू, कितना इसके अंदर आएगा, सही है। एकदम सोच समझ के एक बात दिखा है, वन से कम इसको ले लेंगे, अरे वन से कम मीन्स वन थोड़ा सा कम है, जीरो से कम निकाल रहा है। उसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट निकालने क्या बोलो तुम बताओगे खुशी, राइट हैंड लिमिट पे क्या लें, वन प्लस होगा, तुमसे पूछे हैं फर्स्ट होगा कंफर्म है, बढ़िया सोच लो ठीक से, वन प्लस मीन्स वन से थोड़ा अधिक, यही ना होगा दोनों ही लेंगे, वन से थोड़ा अधिक चंद्र हो गए। लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच होगा, इसका मतलब क्या, लिमिट एस टेंस टू जीरो वन प्लस एच मीन्स एक से थोड़ा बड़ा है, इसको लेंगे तो क्या होगा थ्री वन प्लस एच प्लस, सही है, सॉल्व कर लेंगे इसको, एच का मान जीरो फुट करो तो अभी सिक्स आएगा, दो सेम आया ना, सेम आया मीन्स लिमिट विल एडजस्ट। एक बात आपको हम और कहते हैं, सुन लीजिए क्या, खास करके ये जो हम लोग जो लिमिट ये यूज कर लिमिट यूज करते हैं वो खास करके वैसे फंक्शन के लिए करते हैं जहां पर लिमिट चेक करना हो टर्निंग पॉइंट पर, टर्निंग पॉइंट क्या है इसका, जीरो है ना, जीरो से कम जीरो से बड़ा, टर्निंग पॉइंट पर जब चेक करना होगा तभी इसका खास इंपोर्टेंस है, अदरवाइज इंपोर्टेंस नहीं है, भले निकाल तुमको सिखा दिए इसको, लेकिन इंपोर्टेंस इसका टर्निंग पॉइंट के लिए है, नहीं जीरो से कम जीरो से अधिक, टर्न यहां क्या ना, ग्राफ का टर्निंग कहां हो, ग्राफ चेंज कहां क्या, जीरो चेंज किया, जीरो से अधिक में ग्राफ कुछ और शो कर, जीरो और बड़ा में कुछ और शो कर रहा, मान लो यहां टर्निंग पॉइंट था तीन हो गया ना, तीन से कम में कुछ और ग्राफ था और तीन से अधिक में कुछ और ग्राफ था, टर्निंग पॉइंट पर जब चेक करना होगा तभी लिमिट लिमिट का कोई खास इंपोर्टेंस होगा, अदरवाइज लिमिट का कोई खास इंपोर्टेंस नहीं होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देंगे आपको, अपने आप को बना करके आपको सेटिस्फाइड होइए खुद ही, टर्निंग पॉइंट से ही आपको मालूम चलेगा मेन।
चलो एक बनाओ खुद से आप लोग, और लेट एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, एस का मान एक या एक से कम, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स का मान एक से बड़ा, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स। हम जिनसे पूछेंगे जवाब उन्हीं का होगा, तुम बताओगे रोशनी इसका मतलब क्या होगा, क्या निकालने का रहा है, तो मतलब क्या निकालना, कॉमन निकालना है या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट, ये तो कॉमन है, यहाँ वन प्लस कहेगा हुआ नहीं क्या, इसको कॉमन नहीं कहेंगे, ये कॉमन भले है लेकिन आपको इस कॉमन को भी सेटिस्फाई करना है लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट लिमिट से निकालना है, तुमको निकालना पड़ेगा ये दोनों चीज को, इसको निकालना पड़ेगा प्लस को भी और माइनस को भी, अगर दोनों सेम आ गया तो कह देंगे इसका मान भी क्या भाई हो, नहीं आया तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सब बनाइए खुद से उसको, सब कॉन्फिडेंस किसे मिल रहा है, देखो ध्यान से यहां पर बात नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं उस क्वेश्चन के लिए, समझोगे बात नहीं आओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखू वन प्लस की और माइनस माइनस, यहां पर एफ एक्स दिखाएगा, जब यहां एक्स तो यहां एक्स ही रहेगा, ठीक है सुनोगे यार सभी, जब यहां पर एक्स लिखे हो तो यहां भी एक्स ही लिखना है, फिर लिमिट लिखी, अगले स्टेप में क्या कर दिया हम, वन माइनस का मतलब एक से कम, एक से थोड़ा कम कर दिया, जब यहां एच आ गया तो यहां भी क्या आ जाएगा एच, ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो आ गया, बोलो एफ वन माइनस एच एस टेंस टू जीरो, एक्स का मान क्या आप एक से कम, एक से कम ये की है ये, इस फंक्शन को फोकस कीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, एक्स के रूप में काम कौन कर रहा है वन माइनस एच, यहां जहां भी एक्स था वहां क्या पुट करेंगे वन माइनस एच का, सही है थोड़ी इस्तेमाल तोड़ने का है, मतलब कि अप्लाई दीजिए, वह ए माइनस डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर माइनस क्या टू ए बी माइनस वन, क्या ये वन, ये वन कट जाएगा, एच का मान जीरो पुट करेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस टू इंटू वन इंटू जीरो जीरो, ये पूरा कितना आ गया, सही है। चलो आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ध्यान में इस पर भी, लिमिट एक्स टेंस टू क्या वन प्लस देंगे, वन प्लस मीन्स क्या होगा एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, सही है, वन प्लस एच में किसको ले ऊपर के नीचे, वन प्लस मीन्स एक से बड़ा, ये लेंगे ध्यान देना आप, ये पूरा एक्स है, पूरा क्या एक्स है ना, तो आगे माइनस वहां पर है माइनस भी, जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे वन प्लस एच, स्क्वायर है स्क्वायर दिए, फिर माइनस वन है माइनस वन दिए, एच का मान जीरो डायरेक्टली पुट कर सकते हो, कितना आएगा डायरेक्टली पुट कितना आएगा जी, वन प्लस जीरो वन का स्क्वायर वन आगे माइनस वन, कितना माइनस होंगे ना, कितना सा माइनस, क्या दोनों सेम आया, सेम है, देयरफॉर कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट विद राइट हैंड, ठीक है। थोड़ा मन से बंद कॉपी कर दिए। 21, 27 से आप लोग आज शुरुआत कीजिए, जो बने उसको बनाइए, नहीं बने वो हम लोग काम भी कल कर ही खत्म करेंगे, कल बताए थे रुक पसंद क्या नहीं बना।